नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको टिम्बर और टिम्बर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा। टोटल 40 एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं और टिम्बर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक सब्जेक्ट है और इसके जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे ब्रिक, सीमेंट, स्टोन एट्सेट्रा, ये सब सब्जेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लुम्बर इम्प्लाइज अ लिविंग ट्री, इज ए पार्ट ऑफ फेल ट्री, इज लॉग ऑफ टिम्बर सॉन इनटू पीसेज ऑफ डिजायर्ड शेप, इज यूज्ड टू डिनोट स्टैंडिंग टिम्बर। देखिए, लुम्बर कटिंग पीसेस को बोलते हैं जिसको यहाँ पर पीसेज ऑफ डिजायर्ड शेप लिखा हुआ है। रफ टिम्बर जो होता है, यानी जब हम पेड़ को काट के नीचे बिछा देते हैं, जो लॉग होते हैं पेड़ के, तो उनको जब हम डिज़ायर्ड शेप में बदलते हैं, कुछ प्रॉपर शेप और साइज़ देते हैं, तो उनको हम लुम्बर बोलते हैं। सो बेसिकली ये कन्वर्जन की प्रोसेस होती है। तो लुम्बर हम किनको कहेंगे? टिम्बर का वो लॉग जो डिज़ायर्ड शेप के पीसेज में कट रखा हो। Which of the following is not an objective of seasoning timber? Reduction in shrinkage and warping, ये objective होता है seasoning का। Seasoning असल में होती क्या है कि timber या पेड़ जो है जब वो कट चुका है तो उसमें जो sap है या जो उसमें moisture है उसको हटाने की process को seasoning बोला जाता है। तो seasoning का हमारा purpose क्या होता है, objective क्या होता है? तो क्या उससे shrinkage और warping कम होती है? बिल्कुल होती है। श्रिंकेज जो पेड़ सिकुड़ा हुआ रहता है, वार्पिंग का मतलब है उसके जो सेल्स हैं रिडक्शन ऑफ वेट, तो वेट इसका कम हो जाता है क्योंकि जब मॉइस्चर हटता है तो वेट इसका थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है सीजनिंग का। तो शुरू के तीन ऑप्शन सीजनिंग से रिलेटेड हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये सीजनिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हम डिफेक्ट कम नहीं कर सकते सीजनिंग करके। द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज, ड्रॉबैक होता है डिमेरिट, यानी कमी क्या है उसमें? तो देखिए, सीजनिंग के अलग अलग तरीकों में से एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक सीजनिंग। अब इस तरीके का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है पेड़ का या लकड़ी का स्प्लिट कर जाना, टूट जाना, बिखर जाना। तो स्प्लिटिंग और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी कम होती है इसमें। लेकिन यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे क्योंकि बी और डी दोनों ऑप्शन रीजनेबल हैं, लेकिन स्प्लिटिंग इसका मेन रीज़न होता है क्योंकि अगर पेड़ ही बिखर गया, टूट गया, तो फिर वो किस काम का? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार सिक्स, अलग अलग तरह के डिफेक्ट आते हैं पेड़ में, तो इनमें से एक सेक डिफेक्ट होता है जिसके अंदर स्टार सेक आता है। तो वो किस वजह से आता है? सीवियर फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, तेज जब आंधी तूफान आता है, या फिर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं बहुत ही इंटेंस वे में, उसी को फियर्स हीट बोला गया है यहाँ पर। तो उस वजह से स्टार सेक आ जाता है, कुछ इस तरह का दिखता है ये। रेडियल सर्कमफेरेंस पे कट पड़ जाते हैं जिनका मूवमेंट अंदर की तरफ होता है, अंदर यानी पित्त ऑपोजिट में होता है, उसमें अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार सेक है इसका रीजन होता है सीवियर फ्रॉस्ट और फियर्स हीट ऑप्शन, ठीक है। ड्राई रॉट cracks the timber, reduces the timber to powder, reduces the strength of timber, shrinks the timber. देखिए, ड्राई रॉट असल में एक डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ असल में फंगस की वजह से आती है। जब पेड़ पर फंगस लगता है, या फंगाई भी बोलते हैं हम उसे, तो उसका काम ये होता है कि वो पेड़ को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आपने देखी भी होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि उसको पाउडर में बदल देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या करता है, जो
फेल्ड टिम्बर है उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, ठीक है, और पाउडर में बदल देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कॉन्टेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज, प्रैक्टिकल लिमिट 15% होती है, ठीक है, डिजायरेबल 10-12% होती है, जो कि काफ़ी पूछा जाता है सवाल, पर यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछी गई है कि कितनी तो होनी ही होनी चाहिए अगर टिम्बर को इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए लाना है। 15% द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, अभी हमने डिजीज को समझा कि क्यों उस डिजीज में होता क्या है, अब यहाँ पर उसका कारण पूछा गया है कि होती क्यों है वो। तो ये डिजीज़ असल में कब होती है, जब वहाँ पर एयर का एक्सेस नहीं होता है फ्रीली, ठीक है। एक दो रीज़न और होते हैं, जैसे सीजनिंग अगर पर, एक जो मेन यहाँ पर रीज़न है कि एयर का एक्सेस ना होना वहाँ पे, जिसको दूसरे शब्दों में लैक ऑफ वेंटिलेशन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, अब देखिए बबूल, चीड़, टीक, इसके अलावा पाइन, बैम्बू और जो भी तमाम लकड़ियाँ आप देखते हैं उन सब में शीशम को ही हार्डेस्ट माना जाता है। तो अगर शीशम के साथ बाकी तीन कोई भी हैं ऑप्शन में जो जनरली देखी जाती हैं, उनमें शीशम ही हार्डेस्ट मानी जाएगी। मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम, तो मोस्ट वैल्यूएबल तो हम टीक से प्राप्त करते हैं, वैल्यूएबल का मतलब यहाँ पे कॉस्ट से है, ठीक है। टीक की लकड़ी जो है वो थोड़ा कॉस्टली होती है औरों से, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनीर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट विनीर्स आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है एडजेसेंट, ये तो आप जानते होंगे कि प्लाईवुड जो है वो अलग अलग विनीर से बनती है, जिनको हम प्लाई भी कहते हैं, और इसका जो रूल होता है वो ये है कि जो एडजेसेंट विनीर होते हैं वो उनके ग्रेन अलग अलग डायरेक्शन में रखे जाते हैं, यानी अगर पहली विनीर के यानी पहली प्लाई के जो ग्रेन्स हैं वो अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं तो सेकंड जो विनीर है उसके जो ग्रेन्स होंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगे। फिर इसी तरह से जो थर्ड विनीर है उसके ग्रेन्स वापस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट विनीर हैं, एडजेसेंट का मतलब है जो आपस में सटे हुए हैं पहले के बाद दूसरा, तो इनके जो ग्रेन्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट राइट एंगल, ठीक। और अगर एडजेसेंट की जगह यहाँ पर अल्टरनेट का पूछा होता, यानी पहले के बाद तीसरे का पूछा होता, तो तब वो कैसे हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, और जो एडजेसेंट हैं जो आपस में सटे हुए हैं वो 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गए मेंबर्स ओनली वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली मंथली फीस पे करने जैसा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और डिटेल जानने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं कि उसमें कितनी वीडियोस हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, ये प्लेलिस्ट है, इसमें अंदर जाके देख सकते हैं टोटल कितनी वीडियोस हैं। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ठीक है। देखिए टीक की जो लकड़ी होती है उसमें कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं जिनकी वजह से टर्मिट्स, वाइट एंड्स या फिर और भी तरह के जो बग्स होते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि वाइट एंट को कैसे रजिस्ट किया जाए, तो टीक की लकड़ी से किया जा सकता है। प्लाईवुड हैज़ वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, टेंजेंशियल टू द ग्रेन्स, अलोंग द ग्रेन्स और अक्रॉस द ग्रेन्स, ठीक है। प्लाईवुड की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक तो ग्रेन्स के अलोंग होती है यानी उन्हीं के पैरेलल, और एक उसके अक्रॉस होती है, ठीक है, मोमेंट का जो साइन होता है कुछ उस तरह से। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस के रिगार्डिंग मेन पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेंथ ही है।
लेकिन पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि स्ट्रेंथ टेंजेंशियल वे में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पे सही है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर्स इट बिहेव्स लाइक, जब हम टिम्बर पर कुछ बाहरी दबाव डालते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है। तो देखिए टिम्बर इलास्टिक तो होता ही है, इसके अलावा इसमें विस्कस प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विस्को इलास्टिक मटेरियल। द डिफेक्ट विच डेवलप्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वुड इज नोन एज अनकंट्रोल्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर। लॉस ऑफ मॉइस्चर, अभी हमने स्टार्ट से एक की बात की थी तो उसमें मॉइस्चर का ही तो लॉस हो रहा था क्योंकि जो सनलाइट थी वो काफ़ी इंटेंस थी वहाँ पे। तो सेक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से सेक का ही डिफेक्ट आता है। नॉट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड, नॉट कैसे उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। देखिए नॉट जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, बाहरी सतह पर आ जाते हैं अलग से, ठीक है। तो इनकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो अक्रॉस मूवमेंट में कम हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टिम्बर की। तो हम कह सकते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को अक्रॉस द ग्रेन कम कर देते हैं। द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेज ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वॉन्ट्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड एज, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन दे रखी है रिंडगाल की, ठीक है। रिंडगाल कुछ इस तरह का दिखता है और ये इसको जो टेक्निकली हम पढ़ते हैं तो वही लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिकली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विद विच द वुड मे स्प्लिट। देखिए लकड़ियों की जो क्लेवेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से हम उनको आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो क्लेवेबिलिटी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर। देखिए सीजनिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। इसमें नेचुरल में एयर आता है और वाटर भी शायद नेचुरल में लिखा होता है कुछ किताबों में, फिर आर्टिफिशियल में तो कई सारे आते हैं। तो जो एयर वाला है इसमें जो है 15% तक हम मॉइस्चर कंटेंट अचीव कर पाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ फिर से, जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए टिम्बर में, वो 10 से 12% होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है। फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर मेक्स द टिम्बर सरफेस फायर प्रूफ, मेक्स इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ओन कंबसन, डज नॉट अलाउ द फायर कम क्लोजर टू वुड, एक्सटिंग्विशेस द फायर एंड डिसिपेट्स द हीट जनरेटेड। देखिए इस तरह के सवालों में हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेक्स इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ओन कंबसन। अब बाकी के ऑप्शन में आप देखेंगे तो सिर्फ वुड को या टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने की बात हो रही है। ऑप्शन बी में फायर रेजिस्टेंट बनाने की बात तो हो ही रही है, लेकिन साथ के साथ उसको अंदर से उसको ऐसा बनाने की बात हो रही है कि वो अपना कंबसन क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो वो फायर रेजिस्टेंट होगा कि वो आग को नहीं पकड़ेगा, और अगर पकड़ भी लिया तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा आग को, ठीक है। जबकि बाकी टॉपिक में, बाकी ऑप्शन में तो यही लिखा हुआ है कि बस फायर रेजिस्टेंट बना दो और छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल्स प्रोसेस। एबल प्रोसेस जो है वो की जाती है फायर रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, तो उनमें से एक होता है एबल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम सल्फेट से हम पेंट कर देते हैं वुड को, और उसके बाद स्लेक्ड लाइम से इस पर दो कोट चढ़ा देते हैं और बीच में 6 घंटे का गैप रखते हैं दोनों कोट के बीच में। इससे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे।
वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो आप इसको आगे शेयर जरूर करना जब आप इसको पूरी देख लेंगे। When timber is burnt in the wood fire over a depth of about 15 mm, the process of treatment is known as chairing की प्रोसेस होती है ये। और इस प्रोसेस में हम वुड को करीब 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक जलाते हैं, ठीक है। और फिर ये बेसिकली तब करते हैं हम जब हमें वुड को ज़मीन के अंदर गाड़ना हो, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ भी हैं, आप उनको देख सकते हैं यूट्यूब पर। Which of the following process consists in treating wood using a preservative and forcing air in at a pressure? Full cell process होती है जिसको हम Bethel process भी बोलते हैं। तो इसमें preservative use किया जाता है और उसके बाद फिर air को काफ़ी pressure के साथ इसमें apply किया जाता है, ठीक है। The defect in timber that causes longitudinal separation of woods between the angular rings is known as। देखिए star shake, heart shake, कप सेक, इनमें आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन आ रहा है, ठीक है। तो सेक यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑप्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। तो लार्ज स्केल यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये की पॉइंट है। जब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में टिम्बर होता है तो सीजनिंग के लिए हम किल्न सीजनिंग को यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया था कई सारे मेथड होते हैं तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। किल्न सीजनिंग में कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है तो इसीलिए जब लार्ज स्केल की बात हो तो किल्न सीजनिंग यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। क्या किया जाता है? कोटिंग विथ टार पेंट, पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इन टिम्बर एट हाई प्रेशर, सीजनिंग प्रोसेस, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। हम ज़्यादातर जो सल्फेट होते हैं उन्हीं में उनको डुबोते हैं, ठीक है, तो डी सही होगा। वुड सरफेस रिक्वायर्स हाउ मैनी कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग। तो जनरली हम एक ही कोट करते हैं अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दे रखी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर। देखिए अगर हम टिम्बर को एज के हिसाब से क्लासिफाई करें उसके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो तीन कैटेगरी हैं। अगर वो 10 साल से ज़्यादा चल जाता है तो हाई ड्यूरेबल में आ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगर 5 से 10 साल के बीच में उसका लाइफ स्पैन है तो तब वो मॉडरेट में आता है और फिर 5 से कम में लो में आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी डायरेक्शन में एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देता है ये। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉ डस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग। तो टिम्बर पे जो डस्ट लगी होती है इसको हम रिमूव कर पाते हैं जब हम इसको वाटर में उबालते हैं। लेकिन कैसे वाटर में? जो कंटेन करता है फेरस सल्फेट को। जी हाँ, वाटर में अगर हम फेरस सल्फेट मिला दें थोड़ा सा तो फिर उसमें जिस टिम्बर को हम बॉयल करेंगे उसका जो डस्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इज बिटवीन 5.6 to 9.8। ठीक है, भारी भरकम क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सिंपल एक क्लासिफिकेशन है। जैसे अभी हमने ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा था वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग होता है। तीन ग्रुप दे रखे हैं इसमें, तो जिनकी ये यंग्स मॉडुलस जिनका 12.5 से ज़्यादा है, यूनिट सेम रहेगी हर बार, किलो न्यूटन पर MM², ठीक है। तो जिनकी 12.5 से ज़्यादा है वो ए ग्रुप में आते हैं, 9.8 से 12.5 वाले ग्रुप बी में, और 5.6 से 9.8 वाले ग्रुप सी में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ ग्रुप सी की बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इन टू सेक्शंस इज कॉल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हम कन्वर्जन करते हैं जब, तो रफ टिम्बर को लुम्बर में बदलते हैं, कन्वर्जन की प्रोसेस है ये। By reducing moisture content of timber above fiber saturation points, which one of the following is not correct? Fiber saturation point होता है ऐसा point जिसके बाद
या जिस पॉइंट पे लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी ना बचे, जीरो हो जाए, तो उसके बाद जब हम ये प्रोसेस करते हैं, इसको हटाते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी, स्टिफनेस बढ़ सकती है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकती फाइबर सैचुरेशन पॉइंट के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, क्रियोसोट की बात हो रही है जो कि एक प्रिजर्वेटिव होता है और प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में काम आता है। तो क्रियोसोट का अगर आप दूसरा नाम देखेंगे तो ये होता है कोल टार डिस्टिलेट। ठीक है, तो कोल टार डिस्टिलेट भी अगर आपको पता है तो आप गैस कर लेंगे कि ये कोल से ही बनता है। टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस फ्रॉम लॉग्स अगेंस्ट श्रिंकेज एंड स्वेलिंग द बेस्ट मैथड इज, अगर हमको लॉग से पीसेस निकालने हैं प्रॉपर, तो तब हम टेंजेंशियल सॉविंग करेंगे। ठीक है, सॉविंग अलग अलग प्रकार की होती हैं, चार पांच तरह की दिखेंगी आपको, तो अलग अलग पर्पजेस के हिसाब से हम अलग अलग यूज़ करते हैं। टेंजेंशियल सॉविंग में कुछ इस तरह के कट दिए जाते हैं, ओवरऑल जो पूरा आपको दिख रहा है वो पेड़ का क्रॉस सेक्शन है, और फिर इस तरह की इसमें कटिंग दी जाती है, जो इसमें आपको स्क्वायर फॉर्म में ब्लॉक दिख रहे हैं। टेंजेंशियल सॉविंग सही होगा। हार्ड बोर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, देखिए फाइबर बोर्ड होता है एक वुड प्रोडक्ट, और इसमें तीन तरह के बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, और ये जो नाम है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, ये इनकी डेंसिटीज को दिखाते हैं। ठीक है, तो हार्ड बोर्ड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइबर बोर्ड का। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, तो प्लाई उसकी नंबर ऑफ प्लाई से हम स्पेसिफाई करते हैं उसे, जो कि होती हैं हमेशा ऑड नंबर में। ठीक है, और 3 से 13 के बीच में हो सकती है, और ऑड नंबर में होने का मतलब है कि जो पहली लेयर है उसके ग्रेन्स जिस डायरेक्शन में हैं, आखिरी लेयर के भी ग्रेन्स उसी डायरेक्शन में होंगे। कंसीडर फॉलोइंग्स, गुड स्ट्रेंथ इन लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस, और इकोनॉमी, और बात हो रही है प्लाईवुड की। तो प्लाईवुड से रिलेटेड इन तीनों में से कौन से पॉइंट सही हैं। प्लाईवुड इज सपोज टू बी अ बेटर मटेरियल देन टिम्बर प्लैंक्स ड्यू टू, ठीक है, एक साधारण टिम्बर से कैसे प्लाईवुड जो है एक बेटर मटेरियल हो जाता है, अगर हम इन तीनों पॉइंट को देखें। तो देखिए लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है, दोनों डायरेक्शन की, तो गुड स्ट्रेंथ मिलती है, जी हाँ बिल्कुल मिलती है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी ये भी मिलती है इन्हीं दोनों डायरेक्शन में, प्लाईवुड में ये दोनों चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिकल नहीं होता है प्लाईवुड, खर्चा आता है इसमें, ठीक है, साधारण टिम्बर से। तो ऑप्शन पहला जो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज और आर इसेंशियल फॉर टिम्बर टू बी यूज एज अ बीम, अगर लकड़ी को बीम के तौर पे यूज करना है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसेंशियल है, जरूरी है। तो एबिलिटी टू टेक वेरी स्मूथ पॉलिश, डिफिकल्ट टू सीजन, टफनेस, या फिर सभी। देखिए टफनेस सबसे जरूरी है यहाँ पे, जो होना चाहिए अगर बीम के तौर पे यूज करना है, बाकी पॉलिश वगैरह के लिए स्मूथ ना भी हो तो काम चल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, टफनेस। जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम, वुडन मोल्ड आपने देखे होंगे, लकड़ी के सांचे होते हैं, अलग अलग पर्पजेज के लिए बनाए जाते हैं। तो इनमें हम शीशम की लकड़ी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ताकि ये, क्योंकि ये लकड़ी काफ़ी स्ट्रांग होती है, हमने पहले भी बात करी थी, तो हम चाहेंगे कि ये चले हमारे ये मोल्ड ज़्यादा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कोनीफर्स आर एंडोजेनियस ट्रीज, ग्रो आउटवर्ड्स, हैव बोर्ड लीव्स, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अच्छा जी, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जैसे अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा ट्री का, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से देखा, तो ये तो होते ही है। इसके अलावा जो मेन क्लासिफिकेशन होता है ट्रीज का, वो होता है ग्रोथ के अकॉर्डिंग। इसमें दो आते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस वो होते हैं जिसमें पेड़ एंडवार्ड ग्रो करता है, ऊपर की तरफ जाता है, जैसे बैम्बू इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक्सोजीनियस जो आउटवार्ड ग्रो करते हैं, बाहर की तरफ फैलते हैं, इसके कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चीड़, देवदार वगैरह। अब इसमें भी दो कैटेगरी
रखी गई हैं, कोनिफर्स और डिसीडियस। ठीक है, अब कोनिफर और डिसीडियस में जो डिफरेंस है वो एक तो इनके पत्तों से आता है। कोनिफर के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा पॉइंटेड शेप में होते हैं, नीडल शेप में, और डिसीडियस के थोड़ा चौड़े होते हैं, बोर्ड लीप भी जिनको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोनिफर क्या एंडोजीनियस ट्रीज हैं? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंडोजीनियस तो अलग ही कैटेगरी है, कोनिफर एक्सोजीनियस है। ठीक है, फिर ग्रो आउटवर्ड, तो कोनिफर ग्रो आउटवर्ड होते हैं, डिसीडियस भी होते हैं, क्योंकि जब एक्सोजीनियस ही होंगे तो दोनों उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड सही हो जाएगा, है बोर्ड लीप, चौड़े पत्ते कोनिफर में नहीं होते हैं, डिसीडियस में होते हैं, अभी आपको बताया था, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अच्छा ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन टिम्बर से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ये, तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।